अगर दोस्तों आप लोग इंडिया से हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे अंदर एक इंजीनियर छुपा होता है बिना पढ़ाई करने वाला, जो कि भाई कभी भी बाहर आ सकता है। तो आज मेरा दोस्तों इंजीनियर बाहर आ चुका था और मैं यहाँ पर बना रहा था भाई वो एक ड्रोन, वो भी दोस्तों एक इस वाले कप की मदद से, क्योंकि मुझे लगा कि वजन में काफ़ी हल्का है तो इसमें ड्रोन बनाऊंगा तो उड़ेगा। लेकिन क्या हमारा ड्रोन उड़ा? अरे भाई उड़ने की बात तो छोड़ो, हिला भी नहीं। तो अभी ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा हमारा ड्रोन बना है। तो अब भाई आप लोग टेबल पे देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, क्योंकि इन सभी की मदद से मैं बना रहा था ये वाला ड्रोन, जिसका मैंने सही से मेजरमेंट भी नहीं लिया। ऐसे तैसे सीधी लकीर में ऐसे भाई मैंने ये जो आते हैं भाई मोटर्स, इसको चिपका दिया। और भाई नीचे की वायरिंग आप लोग देखोगे तो भाई देखो इतनी सारी वायरिंग जो आमने सामने मैंने चिपकाई रखी है। और ये थी दोस्तों बैटरी, ये बैटरी दोस्तों मैंने निकाली थी किसमें से, मेरे पास दोस्तों एक स्पीकर था ये वाला, जो कि भाई इसके कपड़े पर उतार दिए गए हैं। ये जो स्पीकर था भाई वो इसके अंदर ये बैटरी थी जो ये ख़राब हो चुका था। मैंने सोचा कि भाई इसकी बैटरी से हम लोग ड्रोन बनाते हैं, शायद उड़ जाए। तो भाई उड़ने की बात तो छोड़ो, ये हिला भी नहीं जरा भी। मैंने दोस्तों पहले ये जो हेलीकॉप्टर वाली सर्किट थी वो लगाई थी, लेकिन भाई उसका रिमोट मिला नहीं, कहाँ रख दिया पता नहीं। सारी चीज़ें मैं ढूंढ चुका लेकिन वहाँ पे इसका रिमोट नहीं मिला, क्योंकि ये भाई इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये सेंसर है और रिमोट के बिना ये काम ही नहीं करता। तो पहले मैंने इसको जोड़ा था, इसके साथ कनेक्ट किया था, लेकिन बाद में मैंने दोस्तों इसको निकाल दिया। फिर मैंने डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्शन किया, फिर दोस्तों देखा कि ड्रोन उड़ा भी नहीं, उड़ने के बाद तो थोड़ा हिला भी नहीं। और ये दोस्तों सारी सोल्डरिंग आयरन की चीज़ें हैं और ये ग्लू गन जिसकी मदद से हम लोगों ने भाई और इसको ऐसे चिपकाया है। तो आप लोग दोस्तों ऐसे ड्रोन मत बनाइएगा, अगर बनाना है तो प्रॉपर तरीके से बनाना। मैं तो भाई केवल टेस्ट करने के लिए ये बना रहा था कि उड़ता है कि नहीं, इस पेपर कप में अगर हम बनाते हैं तो। काफ़ी दोस्तों वजन में हल्का है, यानी कि बहुत ही कम है, जैसे कि हवा की माफी की आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे भी दोस्तों ये काफ़ी सही उड़ रहा है, लेकिन ड्रोन के साथ तो उड़ा ही नहीं। तो आप लोग दोस्तों ऐसी चीज़ मत बनाइएगा जो कि उड़े नहीं, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ड्रोन की स्पेशल भाई सर्किट आती है सेंसर वाली, जिसके साथ कैमरे भी आते हैं भाई, और बैटरी भी सही आती है जो कि इसको सही से उड़ा सके, और मोटर भी दोस्तों अलग से आती है, बड़ी वाली मोटर भी आती है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अपना जो पंख है वो भी जला हुआ है थोड़ा सा, और ये कारस्तानी दोस्तों इसकी है, गलती से इधर टच हो गया तो अपना भाई पंख इतना जल गया। और ये दोस्तों मैंने लगभग 1 साल पहले ये मोटरें खरीदी थी ड्रोन बनाने के लिए, तब मैंने एक चैनल बनाया था और भाई वो उसके बाद वो चैनल मैंने बंद कर दिया, और भाई अपना जो ड्रोन है वो उड़ा नहीं। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अपना ड्रोन कैसे पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का नहीं। अभी मैं इसको निकाल दूंगा सारी मोटरें भाई, इसके पन्नी में डाल के कहीं रख दूंगा, फिर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अभी प्रॉपर तरीके से ड्रोन बनाना है तो बनाएंगे। अभी तो भाई वो कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ भी नहीं हो सकता जो कि ख़राब हो चुकी चीज़ें हैं। और भाई मैं जल्दी से ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं उन्हें समेट लेता हूँ, फिर अपना जो माउस पैड है वो सही से रख देता हूँ, क्योंकि अपना जो कीबोर्ड और माउस इस तरह से पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा टेबल भाई इतना बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे दोस्तों वैसे तो बड़ा है, लेकिन भाई इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ में रखी है तो भाई किसी काम का नहीं रहा। अभी अभी सारी चीज़ें हमें उठानी पड़ेगी यहाँ से और सही से प्रॉपर रखनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों हम लोग चैन की सांस लेंगे। तब तक तो भाई ड्रोन बनाने में कितनी मेहनत करी पता है, 1-2 घंटे में लगातार काम करता रहा इस पर, और बाद में भाई क्या हो गया पता ही होगा आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ पर दशा माँ के व्रत का 3रा दिन है जो कि कंप्लीट हो चुका है आज रात से, कल से 4था दिन चालू होगा, कल भी दोस्तों पूजा आरती सब होगी। 10 दिन तक दोस्तों दशा माँ के व्रत किए जाते हैं, यहाँ पे से जो भी गुजराती हैं वो जानते ही होंगे। और भाई मैंने पंखा बंद रखा है तो भाई गर्मी बहुत हो रही है और दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि भाई ये ड्रोन वाला वीडियो था तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसे ही ब्लॉग अपलोड करता रहता हूँ, जल्दी दोस्तों कैंपिंग वाला वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जिसने भी नहीं करा है जल्दी से कर लो, क्योंकि दोस्तों हमें जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें अनहाइड कर दूंगा, तो भाई सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं करा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए बढ़िया से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।